काली परछाई का साया। नेहा एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करती थी और उसका बॉस उसके काम से बहुत खुश था। एक दिन उसका बॉस नेहा से मिलने पहुंचा। गुड मॉर्निंग नेहा। गुड मॉर्निंग बॉस, कैसे हैं आप? आई एम गुड, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वाह, रियली? यस, तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और तुम्हें एक मीटिंग के लिए दुबई जाना होगा। थैंक यू बॉस, कब जाना होगा? नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, जब तक अपने घर घूम आओ। नेहा ने सोचा कि चलो ये खबर अपनी माँ और पापा को देती हूँ, और उसने कार निकाली और चल पड़ी। नेहा के पेरेंट्स का घर करनाल में उसके घर से 230 किलोमीटर दूर था। नेहा सड़क पर गाड़ी चला रही थी और बहुत रात भी हो गई थी। यार, बहुत देर हो गई गाड़ी चलाते हुए, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ और गाड़ी को आराम भी मिल जाएगा। नेहा ये सोचकर गाड़ी से उतरी और अपनी पॉकेट में से सिगरेट का पैकेट निकाला ही था कि उसने अपनी गाड़ी के टायर के फटने की आवाज सुनी। अरे यार, अब इससे क्या हो गया? यहां तो मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। तभी नेहा को बड़ी जोर से रोने की आवाज आने लगी। कौन है? कौन है? पर थोड़ी देर में आवाज शांत हो गई। अब नेहा ने सोचा कुछ घंटों की बात है, सुबह हो जाएगी तो मैकेनिक ढूंढकर टायर सही करवा लूंगी, और उसने रात कार में ही बिताने का फैसला लिया। सुबह 8 बज चुके थे। नेहा ने पास ही के एक मैकेनिक से गाड़ी का पंचर सही कराया और कुछ ही देर में अपने माँ और पापा के घर पहुंच गई। नेहा जैसे ही गाड़ी से उतरी, उसने देखा कि दो परछाई दिखाई दे रही हैं। एक तो नॉर्मल है और दूसरी बहुत डरावनी आवाज भी रो रही है। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? पर कोई जवाब नहीं, और उसने अपनी माँ को बताया। माँ, दो परछाई मेरा पीछा कर रही हैं, एक तो नॉर्मल है और दूसरी रोने की आवाज निकालती है, और ये सब कभी कभी होता है। बेटा, मुझे तो तुम्हारी एक ही परछाई दिख रही है। नेहा ने फिर से देखा तो उसे दो परछाई दिखाई दे रही हैं। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत डर गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो काली परछाई उससे कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही है।
ऐसे ही 5 दिन बीत गए और नेहा को काफ़ी प्रेपरेशन करनी थी दुबई की मीटिंग के लिए, तो वो वापस अपने फ्लैट के लिए निकल पड़ी। काली परछाई भी उसके साथ साथ चल पड़ी। नेहा कार में परछाई से मुस्कुराते हुए कहती है, तुम तो कुछ बोलोगी नहीं, बस रोती रहोगी, कम से कम कोई इशारा ही कर दो। तभी नेहा ने देखा उसकी कार के आगे अंधेरा छा गया है। और उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और ब्रेक भी नहीं लग रही थी। एकदम से नेहा की कार किसी खंभे से जा टकराई और वो बेहोश हो गई। वन वीक के बाद नेहा को होश आया और हॉस्पिटल में उसकी माँ, पापा और बॉस उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। नेहा उठने के साथ ही, माँ, पा, आज क्या तारीख है और मेरी मीटिंग का क्या हुआ बॉस? मीटिंग तो 10 दिन पहले ही थी। भगवान का शुक्र है कि तुम दुबई नहीं गई। क्या हुआ बॉस, सब ठीक तो है ना? जिस प्लेन में तुम जाने वाली थी वो क्रैश हो गया है और किसी के बचने की खबर नहीं आई है। नेहा को कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो फिर से ऑफिस जाने लगी, पर उसे वो काला साया फिर कभी दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अब मैं समझी, वो काला साया मुझे बताना चाह रहा था कि मैं उस प्लेन में ना जाऊं। थैंक गॉड कि उसने मेरी जान बचा ली। इतना कहकर नेहा अपने ऑफिस में एंटर कर गई।